हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट वन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, रिचर्ड स्टील एज एन एसिस्ट, राइट ए नोट ऑन स्टील्स प्रोज स्टाइल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके सर, रिचर्ड स्टील is the founder of periodical journals. He contributed to English prose style by making it simple and direct. He gave a new direction to essay and made it a means to social reform. Okay, so these are the all points of रिचर्ड स्टील एज एन एसिस्ट। नंबर वन, हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोज, आर्ट फॉर लाइफ सेक, नैरेटिव स्टाइल, पोएटिक प्रोज, यूज ऑफ इमेजरी एंड नेक्स्ट कंक्लूजन। ओके स्टूडेंट, नंबर वन पॉइंट है हमारा हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोज, प्रोज के लिए इनका योगदान। कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है? योगदान। स्टील मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू प्रोज। ओके, His first published work, इनका जो first published work है वो कौन सा है? The Christian's Hero. Okay? जीवन के लिए कला। स्टील बिलीव इन आर्ट फॉर लाइफ सेक। थ्रू हिज एसे ही विशेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ होल ह्यूमन सोसाइटी। अपने निबंधों के माध्यम से स्टील पूरे मानवीय समाज की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। ओके, फॉर दिस पर्पज ही स्टडी द सोसाइटी। इस उद्देश्य के लिए वो समाज को पढ़ते हैं। एंड पॉइंट आउट दोज फैक्ट अबाउट इट दैट अदरवाइज रिमेन्स हिडन फ्रॉम कॉमन आई। इन द कलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड ऑल्सो स्टील पॉइंट्स आउट दैट सम पीपल विश फॉर सोशल रिकॉग्निशन व्हाइल सो मैनी अदर्स हैव ए विश टू लिव विदाउट सोशल रिकॉग्निशन। Some people feel happy if the world is made familiar with all that is related to them. They think those things are lost that are not seen or appreciated by others. On the contrary, some people tell nothing about them to others and live a secret life. Steve point out the importance of true friendship and goodwill. Certainly, life is very short, जीवन बहुत छोटा है, and it is rare और बहुत ही दुर्बल है. To find out a true friend, एक सच्चा दोस्त पाने के लिए बहुत ही दुर्बल जीवन है हमारा. Short तो है ही, it's a very short, but it also very rare. Okay, that is always faithful. एक ऐसा friend जो आपके लिए हमेशा ही faithful, वफादार।
आवर ट्रू फ्रेंड, हम अपने सच्चे दोस्त की रिस्पेक्ट करते हैं। व्हेन दे आर विद अस एंड आल्सो व्हेन दे आर नॉट अलाइव, जब वो हमारे साथ है या जब वो हमारे साथ नहीं भी है तब भी। इट इज वाइज टू रेस्पेक्ट दोज राइट्स हु आर नो मोर। इट इज एनकरेज आवर फ्रेंड्स टू बिकम फेथफुल। फॉर दोज फेथफुल फ्रेंड्स इफ वी सस्पेंड आवर बर्थडे एक्टिविटीज एंड रिमेंबर देम, वी डू आवर ड्यूटी एंड फील सेटिस्फाइड। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका नैरेटिव स्टाइल, वर्णनात्मक स्टाइल। स्टील वॉज बेसिकली ए ड्रामेटिस्ट इन हिज एसे टू। वी फाइंड अ डीप इफेक्ट ऑफ हिज ड्रामेटिक स्किल। ही नैरेट्स इंसिडेंट इन सच ए लिवली स्टाइल दैट द होल सीन्स कम्स बिफोर आई इन इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ही नैरेट्स हाउ ए स्मॉल चाइल्ड फील्स द सेंस ऑफ सोरो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। His father's death gave the first dealing of sorrows to him at the tenderness. At the time of his father's death, he was under 5. वो केवल कोर्ट केवल 5 साल का था जब उसके फादर की डेथ हुई थी, ये उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। One day he found the whole family lost in deep sorrow. एक दिन उन्होंने देखा उनकी पूरी फैमिली दुख में, दुख से भरी हुई है, गहरे दुख में है। As a child, एक बच्चे के रूप में he could not know why all were so sad. वो बच्चे के जब वो बच्चे थे तो उन्हें he don't know कि why all were sad, कि सब दुखी क्यों है, उन्हें नहीं पता था कि सब दुखी क्यों है। His mother was weeping, उनकी माँ रो रही थी। She caught him in her arms. उन्होंने उसको अपनी आर्म्स में पकड़ा, अपनी बाहों में पकड़ा and lost patience और अपना patience खो दिया था। She embraced him, उसको गले लगाया, close her heart, अपने heart के close किया and told weeping और रोकर कहा his father was no more, अब उसके पिता नहीं है, नहीं रहे। Now he could neither talk to his son nor play with him. He could neither talk to his son. ना तो वो अपने बेटे से बात करेंगे और ना उसके साथ खेलेंगे। They would take him to bury underground in the grave. Okay? अब उनको कहाँ ले जा रहे हैं? Grave में ले जाएंगे। कब्र में ले जाएंगे? From that place he would never come to them again. जहाँ से वो फिर कभी दोबारा नहीं आएंगे। अब next है आपका poetic prose. Okay? पोइटिक का मतलब क्या होता है? काव्यात्मक। और प्रोज का मतलब गद्य, काव्यात्मक गद्य। स्टील्स पोइटिक टैलेंट डोमिनेट्स हिज प्रोज। इट बिकम्स पोइटिक व्हेन ही डील्स विद ह्यूमन इमोशंस इन द एसे रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। आल्सो ही अकाउंट्स फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट मेमोरीज। ओके, स्टील्स टचेस इमोशंस ऑफ हिज रीडर्स व्हेन ही पॉइंट आउट दैट इन ओल्ड एज इट प्लेसेस us most to remember those who were very close to us in past years. Now they are dead and we miss them. Okay? Only the memory of those days is left. Now they used to amuse us. Okay? Ab next aapka use of imagery. Imagery का प्रयोग। इट इज ए पोइटिक डिवाइस दैट स्टील यूजेस इन प्रोज इन द कलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड। स्टील यूजेस क्लॉक इमेजरी व्हेन ही रेफर्स टू ए मैनुअल क्लॉक ऑफ ओल्ड टाइम्स। व्हेन वी फिल अप ए क्लॉक दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर टू मेक इट गो वेल फॉर द फ्यूचर। We don't immediately set the hand to the present instant, but we make it stride the round of all its hours before it can recover the regularity of its time.
Steel refers to a manual ball. Clock of old times, when we used to wind up a clock that wanted repair, we had to give it lot of time to it. To make it work well for future, we did not immediately set the hand to the correct times, but we made it strike the round of all its hours. Before it was set off its current time, the same is with our memory of past years. It is not possible to remember only one thing with one, so many other things also come to the mind. Okay? एंड लास्ट है आपका पॉइंट कंक्लूजन. दस वी कैन से दैट वी कैन कंक्लूड दैट स्टील इज ए ग्रेट एसेट. अब हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कि स्टील कौन है, एक बहुत महान निबंधकार है. हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इज ग्रेट. और उनका जो प्रोज में डेवलपमेंट प्रोज डेवलपमेंट में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो भी बहुत ज़्यादा महान है. ओके, सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स ऑफ रिचर्ड स्टील एज एन एसिस्ट. ओके, हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोज आर्ट फॉर लाइफ सेक, नैरेटिव स्टाइल, पोएटिक प्रोज, यूज ऑफ इमेजरी एंड कंक्लूजन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.